मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ हैदराबाद से। ज़्यादा लंबा ना कहो जी। तो क्या है बोल तो कम्प्लीटली जो जिस लोहिरापा के जो अपन ताल्लुक से फ़िलहाल बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो बिजनेसेस हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है। मोइनाबाद पे जो फैक्ट्री है उनकी फूडेक्स की फैक्ट्री वो भी रनिंग है और हम लोग खुद ओपनिंग में जाके आए सो है। और इनकी जो है जांच में CID जो है तिरुपति की वो भी डिक्लेयर कर चुकी है कि इनके तीन बिजनेस रनिंग है, फूडेक्स, टेक्सटाइल और एक मुंबई की जो थाने है, थाने की रिपोर्ट से भी जो है ये मतलब पता चला है कि 35 करोड़ का भी ट्रांसैक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांसैक्शन हुआ है, इसमें बिजनेस भी है बोल के हैं। तो जब कोई पॉन्जी स्कीम बोलते हैं वो एक साल दो साल के लिए होती है, ये स्कीम 15 साल से चल रही है, स्कीम भी नहीं है एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिजनेस है और हलाल बिजनेस है, ये 15 साल से चल रहा है। तो हर एक को क्या बोलते सो प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग क्या बोलते सो जस्ट एक चंद 6 महीने से जो प्रॉब्लम में आए हैं वो कुछ उससे मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ थे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के जो भी है उसके तरफ से अपन प्रॉब्लम में आए थे, इंशाल्लाह ये सब हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ क्या है बोलते एफिडेविट भी डाले हुए हैं ऑलरेडी ये लोग 30 नवंबर को कि कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 महीने में सबके पैसे दे देंगे बोल के। तो ये कोर्ट का कोई फैसला आने से कुछ होने से कोई मसला नहीं है, अपन क्या है फिलहाल अपन को सबर करना है इंशाल्लाह। आपा बाहर आएंगे तो पैसे देंगे, जब तक आपा अंदर रहेंगे तो पैसे किसको मिलेंगे? कोर्ट के जरिए से आज तक किसी को पैसे मिले हैं? मिले तो 10 से 15 साल लगते, जिसको भी कोर्ट से पैसे मिले उनको 10 से 15 साल का वो भी पूरे मिलने के चांसेस नहीं, वो भी पूरे मिलने के चांसेस और लेट करा रहे, कंप्लेंट करते जा रहे हैं आपा को, और अंदर रख रहे और लेट होना ताकि और कंप्लेंट रखना और पैसे नहीं मिलने, बुला रहे आइए कंप्लेंट करिए आइए बिस्मिल्लाह दावत दे रहे हो बकरा कटे हुआ कंप्लेंट करो बोल के, ये कोई बुलाने की बात है? जब कंप्लेंट करो बोल रहे एक मोमिन के लिए, एक मोमिन को तकलीफ दो बोल के बुला रहे, लानत है आप पे और आप भी अयाल पे, हम सब की बद्दुआ है आपको इंशाल्लाह, कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग, कंप्लेन करो बोल के बुला रहे हैं आप लोग, आप लोग कंप्लेन करो बोल के बुला रहे हैं। अब ये बोलो हिदायत, ये बोलो तुम अगर अच्छे मुसलमान है नेक माँ बाप की औलाद है तो बोलो सबर करो, सबर करो, उसको निकालने की कोशिश करो और निकाल करके पैसा देंगे दिलाना, निकाल के पैसा दिलाना, अंदर रखने से कोई हुकूमत कोई पुलिस वाले नहीं दिला जब हम रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में गए वहाँ पर कोर्ट में गए तो हमको बोला जा रहा कि मेहंदी के औरता है, बोल के क्यों तुम मेहंदी से पैदा हुए सो है क्या, तुम वहाँ से पैदा हुए होंगे जो दूसरों को बोल रहे थे, जो बोल रहा सो आदमी तुमने वहाँ का ही बने हुआ है, इस तरह इल्जाम लगे जा रहे हमारे पेपरों के साथ है, हम पेपरों के साथ आए हुए हैं, अगर जो ऐसे इल्जाम लगाएंगे पूरे मिल के कम्प्लेन करेंगे अगेंस्ट उनके FIR हम उनके अगेंस्ट करेंगे जो गैर गलत बातें करेंगे, तो शहबाज खान की इंक्वायरी होना चाहिए। उन्हें बुला रहा है क्या, वो क्यों कर रहा है, देखे बुला रहा, तेरा पैसा है उसमें, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तुम्हारा कुछ इंटरफेयर है नहीं, पैसा नहीं, इंटरफेयर नहीं, आने की जरूरत नहीं है भाई, भाई मैं जो है इन्वेस्टर हूँ, मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करा और मेरा सर्टिफिकेट भी है और मेरे को जो है इसकी जो भारत की तरक्की है उसके ऊपर मेरे को MEDS से बोल के एलिगेशंस लगा रहा है इन्हें, तो अननेसेसरी बगैर किसी को जो है जैसे जबान को हड्डी नहीं है, जिसको बोले जो बोले बोल दे रहा है इन्हें, उसको कुछ तमीज़ तहजीब है नहीं है, जिसको बोले जो बोले वो बोल दे रहा है इन्हें। मैं ME हूँ ना, DS हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आपा के सपोर्ट में हूँ और मरते दम तक आपा के सपोर्ट में रहूँगा इंशाअल्लाह, कयामत के सुबह तक मेरे को भरोसा पैसा दूंगी, तो हम कयामत के शाम तक इंतजार करेंगे, ये हमारे पेपर है देखो, जो बोले थे कि ये जो हाईवे हैं औरतें, जो हाईवे हैं औरतें बोल के बता रहे थे ना कि ये लोग मेहंदी के औरतें बोल के बता रहे थे, ये है देखिए पेपर, तुमको अल्लाह की पूछो तुम्हारी आल अयाल के आगे आओ जो गैर गलत बोल रहे हैं। आमीन। नहीं कंप्लेन जितना करेंगे उतना डिले आप लोगों को होगा, हम लोगों को मेजॉरिटी देख लीजिए अभी कहाँ है कितनी है मेजॉरिटी, हम लोग जो सामने खड़े हैं ये पूरे हमारे आपा के सपोर्ट में है और राइट साइड में जो